कल 23 तारीख है जब झारखंड विधानसभा के चुनाव का परिणाम आएगा। कल मतगणना का कार्य होगा। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर दी गई है। चाईबासा के महिला कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहाँ पर मतगणना होनी है, वहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और जो मतगणना में लोग लगेंगे उन्हें इसकी जानकारी दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। आज जिले के उपायुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने यहां पहुंचकर लोगों को बताया, जो कार्यरत जितने लोग रहेंगे उन्हें बताया कि मतगणना में उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है और किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। जहाँ पर रिसीविंग हुई है यहीं पर पांचों विधानसभा की अलग अलग काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। हर विधानसभा के लिए 2 काउंटिंग हॉल हैं। एक काउंटिंग हॉल में EVMs के माध्यम से काउंटिंग की जाएगी, दूसरा पोस्टल बैलेट के लिए अलग काउंटिंग है। सभी जगह तैयारियां हो गई हैं। आज सभी अपने अपने काउंटिंग हॉल्स में निर्वाची पदाधिकारी महोदय एवं सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से संयुक्त रूप से जो कर्मीगण हैं उनको अंतिम प्रशिक्षण दिया गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए नियत समय और मानकों के अनुरूप तैयारी की गई है और मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बल की तैनाती भी बहुत सारी हुई है, फोर्स बहुत लगी है। जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, मतगणना के कार्य के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है और कल के दिन यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को और पूरे परिसर को 3-लेयर कॉर्डनिंग जो सिक्योरिटी है जिसमें CAPF, स्टेट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के माध्यम से अलग अलग टीयर पर वहाँ पर सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। DFMDs भी लगाए गए हैं और सभी जगह पर फ्रिस्किंग के लिए मजिस्ट्रेट और फोर्स की भी तैनाती की गई है। आपकी तरफ से राजनीतिक दलों को कुछ कहना चाहिए? मतगणना की प्रक्रिया में जितने भी निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार रूप से अपने संबंधित उम्मीदवारों के साथ बैठकें की गई है और जो व्यवस्थाएं हैं और जो मानक हैं निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। सारी प्रक्रिया उसी प्रकार से की जाएगी और सभी लोगों ने उसके अनुसार अपने स्तर से जो उनको तैयारियाँ और जो प्रतिनिधि नामित करने थे उसको किया गया है। तो बता दें कि तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई है और कल 23 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर के लगभग 12 से 1 बजे के बीच रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि कौन सा प्रत्याशी और कौन सा दल आगे है। तो चलिए आपको बता दें कि अब से बस कुछ घंटे बचे हैं, अगर हम गिनती से करें तो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, तो काउंटडाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है मतगणना को लेकर। जब रुझान आएंगे और रिजल्ट आएगा और जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। बता दें कि पश्चिम सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा सीटों में से 10,87,000 जो वोटर हैं उनमें लगभग 67% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 66 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया है। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।